ग्वालियर में दहेज लोभियों का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक ने अपनी बेटी की सगाई कुछ महीनों पहले एक इंजीनियर लड़के के साथ तय की थी। दहेज में आरक्षक ने नकदी सहित सोने के जेवर भी दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही लड़के वाले मोटी रकम और महंगी गाड़ी की डिमांड करने लगे। दहेज नहीं देने पर लड़के वालों ने सगाई तोड़ दी, जिसकी शिकायत प्रधान आरक्षक ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। वहीं शिकायत के तहत माँ बाप सहित लड़के के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के कुंज बिहार फेस एक में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा वर्तमान में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। न्यायालय में वो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरक्षक ने पुलिस अधीक्षक अमित सांगी को लिखित आवेदन देकर बताया, उन्होंने अपनी बेटी की सगाई बलराम नगर में रहने वाले इंजीनियर सचिन दुबे के साथ 4 अप्रैल 2022 को पिंटू पार्क स्थित रेडास होटल में की थी। सगाई में उन्होंने शगुन के तौर पर लड़के को 51,000 रुपये नगद सोने की अंगूठी भी दी थी। वहीं शादी 10 दिसंबर को होना तय हुई, पूरी तैयारियां कर ली गई। मैरिज गार्डन, हलवाई, डेकोरेशन और अन्य लोगों को एडवांस भी दे दिए गए। सगाई के कुछ दिन बाद ही लड़का सचिन, उसके पिता सुशील दुबे और मां गीता दुबे ने 15 लाख नगद और एक स्विफ्ट डिजायर कार दहेज में मांग की। वहीं नहीं देने पर उन्होंने सगाई तोड़ देने की बात कही। जब प्रधान आरक्षक ने दहेज देने से मना किया तो लड़के वालों ने उनकी बेटी से सगाई तोड़ दिया। सगाई में प्रधान आरक्षक का काफी खर्चा हो चुका था। जब आरक्षक ने सगाई में दिए हुए पैसे और सोने के जेवर मांगे तो लड़के वालों ने साफ इनकार कर दिया। प्रधान आरक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि पहले भी लड़के और उसके माता पिता ने इसी तरह से अपने लड़के की सगाई भिंड में किसी अन्य लड़की के साथ तय की थी, लेकिन वहां भी सगाई के बाद इसी तरह से लड़की वालों से दहेज मांगा था। वहीं दहेज नहीं देने पर इस परिवार ने उनसे भी सगाई तोड़ दी थी। मामले में एडिशनल एसपी राजेश दंडौतिया ने कहा कि आरक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। ये कल जनसुनवाई में हेड कांस्टेबल जिनकी हाईकोर्ट में ड्यूटी रहती है वो आए थे और उनके द्वारा बताया गया था, उन्होंने रिपोर्ट की गई थी कि उनकी जो बच्ची की सगाई हुई थी उसमें 2-2.5 लाख रुपये उन्होंने खर्च किया था। फिर उसके बाद अब शादी से पहले वो लोग 15 लाख रुपये कैश दहेज और एक 4-व्हीलर गाड़ी मांग रहे हैं। इस आधार पर थाना गोले के बंदर को बताया गया और थाना गोले के बंदर पहुंचकर उनके द्वारा FIR रजिस्टर कराई गई है, जिस FIR में 15 लाख रुपये की मांग और एक 4-व्हीलर की मांग को लेकर उसमें 3/4 दहेज अधिनियम के तहत और IPC सेक्शन 406 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें जो लड़का है जिसे शादी होने वाली थी उसको आरोपी बनाया गया, इसके अलावा उसके माता पिता 3 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है।